आजमगढ़ में केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने कहा कि पार्टी यूपी चुनाव के लिए मुख्यमंत्री के नाम पर विचार कर रही है और जल्द ही सीएम के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। वहीं उन्होंने जेएनयू और बेमुला मामले पर विपक्ष को आड़े हाथ लिया। रेल बजट से महोबा की जनता को खासी उम्मीदें हैं। महोबा रेलवे स्टेशन को खजुराहो रेल लाइन से जोड़कर महोबा को जंक्शन का दर्जा मिल गया, लेकिन आज भी महोबा रेलवे स्टेशन मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है। अपराध में वांछित आरोप लालता प्रसाद ने पंचायत भवन के पेड़ से लटक कर खुदकुशी कर ली। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शाहजहांपुर के बड़ा गांव में अपनी पत्नी के साथ घर जा रहे युवक को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी, जिससे युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच भी चुकी है। बदायूं में खेत में किसान का शव मिलने से हड़कंप मच गया। किसान की गला दबाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। परिजनों ने गांव के ही युवक पर हत्या का आरोप लगाया है। मेरठ में 23 जनवरी को अपहरण की गई लड़की के घर में संदिग्ध रूप से आग लग गई, जिससे घर का सारा सामान जल गया। परिजनों ने अपहरण करने वाले चार लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज कराया है। मेरठ में आरसी डिग्री कॉलेज के सामने यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सूरज यादव के घर में कुछ युवकों ने जमकर पथराव किया और फरार हो गए। पथराव के दौरान सूरज यादव की बहन बुरी तरह जख्मी हो गई। लखीमपुर खीरी पुलिस ने नकाब पहनकर मोबाइल और एलसीडी टीवी चोरी करने वाले दो शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 70 मोबाइल, एलसीडी, साउंड समेत तमाम सामान बरामद हुए हैं। एटा के बिथरा गांव के पास बाइक और बोलेरो की टक्कर में दो बाइक सवार छात्रों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया है। मथुरा में बोर्ड परीक्षा के सेंटर में खुलेआम सामूहिक नकल हो रही है, जिसके लिए सेंटर में ड्यूटी में तैनात शिक्षक बाकायदा उन्हें नकल मुहैया करा रहे हैं। बावजूद इसके जिला विद्यालय निरीक्षक मामले का संज्ञान लेने के बाद कार्रवाई की बात कर। फतेहपुर में नेत्रहीन बलात्कार पीड़िता पिछले एक महीने से इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है। पुलिस के पास कई बार जाने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही, जबकि पीड़िता एसपी के पास भी गुहार लगा चुकी है। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा है कि जेएनयू से देश के बंटवारे की आवाज उठ रही है। राहुल पर निशाना साधते हुए कहा कि खींच मिटाने के लिए राहुल ऐसा कर रहे हैं। कानपुर में सवर्णों स्वाभिमान संघर्ष समिति ने सवर्णों को आरक्षण देने की मांग को लेकर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सभी जातियों की तरह सवर्णों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। लखनऊ विधानसभा के सामने श्रावस्ती से आई एक महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया। महिला के साथ उसका परिवार भी था, लेकिन पुलिस रक्षाकर्मियों ने उसे रोक लिया। पीड़िता का आरोप है कि उसकी जमीन पर दबंगों ने पुलिस के साथ मिलकर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। संभल में दो दिन पहले वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर मौलवी के साथ हुई मारपीट से उलेमा खासे नाराज है। उन्होंने भट्टा संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और शहर में जुलूस निकाला गया। गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट में बना 1,75,00,000 रुपए की कीमत से राज्य सरकार द्वारा पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस से जिसे गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए कमरों की व्यवस्था रही। गोंडा के परसपुर से कर्नलगंज की तरफ जाने वाले ओवरलोड जीप पलट गई। जीप में क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे। हादसे में एक दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। हादसा एक बाइक को बचाने के चलते हुआ। हापुड़ के NH-24 पर एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने हाईवे के किनारे 6 दुकानों को मलबे में तब्दील कर दिया, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और दुकानदारों का लाखों का नुकसान भी हो गया। गोरखपुर एसटीएफ ने जेल में बंद चंदन सिंह गैंग के दो गुर्गों को गिरफ्तार किया है। दोनों गुर्गे संत कबीर नगर में निर्माणाधीन जेल के ठेकेदार से रंगदारी मांग रहे थे। ठेकेदार की शिकायत पर पुलिस ने दोनों को धर दबोचा। गोरखपुर में डीएम एसएसपी ने देर रात मंडली कारागार में छापा मारकर बैरकों की तलाशी ली। 2 घंटे तक चली छानबीन में बंदियों से 6 मोबाइल, 2 सिम कार्ड, चाकू के अलावा कई आपत्तिजनक सामान मिला है। बहराइच के जिला विद्यालय निरीक्षक रविंद्र सिंह पर हथियारबंद लोगों ने हमला कर दिया। भीड़ ने डीआईओएस की गाड़ी पर काली खोद दी। किसी तरह अधिकारी ने भाग कर अपनी जान बचाई। मामला थाना रूपाही जी इलाके का। हमीरपुर में कर्ज के बोझ तले दबे किसान ने खुदकुशी कर ली। कर्ज से परेशान किसान बेटी की शादी के लिए परेशान था। गाजियाबाद में मुरादनगर थाना इलाके में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की वजह पैसे के लेन देन में विवाद बताया जा रहा है। घटना से इलाके में तनाव का माहौल है। बाराबंकी के नगर कोतवाली के एक लॉज में सेक्स रैकेट की सूचना पर पुलिस ने छापा मारा। 4 युवक और युवतियों को हिरासत में लिया है।
सौदेबाजी करके पुलिस ने हालांकि बाद में इन लोगों को छोड़ भी दिया, जिसके बाद आम जनों में यहां काफी गुस्सा है। गोरखपुर के कैंट इलाके में खाड़ी देश का वीजा दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ितों ने जासास को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और अब पीड़ित अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। फरुखाबाद के एक निजी स्कूल के रिक्शा चालक की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। इसका शव अमरूद के बाग से बरामद हुआ। मामला कंपिल थाना क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर खास का है। फरुखाबाद में शातिर चोरों का गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गिरोह के 5 चोरों को पुलिस ने उस वक्त अरेस्ट किया जब ये चोरी के गहने बेचने की कोशिश कर रहे थे। इलाहाबाद में 6 दिन के लिए त्रिवेणी महोत्सव शुरू हो चुका है। महोत्सव के पहले दिन बॉलीवुड सिंगर श्रेया घोषाल ने अपने सुरों का जादू बिखेरा। बाराबंकी में एक हिरण आवारा कुत्तों के बीच फंस गया। कुत्तों ने बुरी तरह से हिरण को जख्मी कर दिया। हालांकि बाद में आम लोगों ने हिरण का इलाज कराया। गुजरात के हीरा कारोबारी लालजी भाई ने 10,000 गरीब लड़कियों को 200 करोड़ रुपए दान में देने का फैसला किया है, जिससे उनके माँ बाप अपनी बेटियों को अच्छी परवरिश दे सके, अच्छी शिक्षा दे सके। इस काम के लिए मथुरा के वात्सल्य आश्रम में उन्हें सम्मानित किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बलरामपुर में बीजेपी स्वामित्व वाले देश के पहले बीजेपी जिला कार्यालय का शिलान्यास किया। शाहजहांपुर में एक भाई ने जायदाद की खातिर अपने भाई की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए छानबीन शुरू कर दी है। बदायूं में 2 सिपाहियों को क्रूरता की मौत मारने वाला परिवार आखिरकार 8 दिन बाद पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी परिवार वालों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ पर जगतपाल ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। वाराणसी में तेज रफ्तार कार ने 2 छात्रों को टक्कर मार दी, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि दूसरे छात्र की हालत गंभीर बनी हुई है। बांदा में संदिग्ध हालात में अचानक एक मकान में आग लगी। आग लगने से घर में अकेली किशोरी की दर्दनाक और रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। झांसी के ग्राम कोट बिहटा में दहेज में कार नहीं मिलने पर एक नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मृतका के पति समेत 6 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज कर दिया है। बस्ती जिले में एक ठग ने बैंक से 1,62,000 रुपए उड़ा लिए। बैंक के अंदर भी घटना से सभी सन्न है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर जांच में जुट गई है। मिर्जापुर का सीखड़ ब्लॉक प्रदेश का पहला निर्मल ब्लॉक का गौरव हासिल कर चुका है। सीखड़ ब्लॉक के 1-1 ग्राम सभा बाहर शौच में जाने से फ्री हो रहे हैं। 2 गांव मेडिया लालपुर पहले ही शौच फ्री हो चुके हैं। इसी क्रम में मवैया गांव को भी शौच फ्री कर दिया गया। मऊ में शिक्षक संघ छात्रों ने डीएम ऑफिस पर प्रदर्शन किया। मांग उठाई कि सरकारी स्कूलों में व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त हो और सरकारी कर्मचारियों के बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़े। अपनी गुहार डीएम के माध्यम से सूबे के सीएम के सामने पत्र भी रखा। अलीगढ़ में खुलेआम परीक्षा केंद्रों में नकल कराई जा रही, लेकिन शासन प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। कई केंद्रों में खुलेआम धड़ल्ले से नकल हो रही है। बस्ती में शोधों की प्रताड़ना से तंग आकर छात्रा ने खुदकुशी कर ली। छात्रा ने खुद को आग के हवाले कर दिया। 10वीं की छात्रा मोहल्ले के ही 4 लड़कों से पिछले कई महीनों से बेहद परेशान थी। इलाहाबाद में टोल प्लाजा पर कर्मियों से दबंगों ने जमकर मारपीट की। दबंगों की ये करतूत टोल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। एक बात और जो खास थी, दबंगों की दहशत से टोल कर्मी ने मामले की जानकारी पुलिस तक को नहीं दी। बुलंदशहर में 15 साल की किशोरी को दिन दहाड़े 2 दबंगों ने घर से खींच कर दुष्कर्म किया और शिकायत करने पहुंचे परिवार को दबंगों ने जमकर पीटा है। पुलिस भी दबंगों के आगे नतमस्तक नजर आ रही है। हापुड़ में 30 वर्षीय किसान नीरज गुर्जर की अज्ञात बदमाशों ने गोलियों से हत्या कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। बांदा में इलाहाबाद की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने चारा व्यवसायी को रौंद दिया, जिससे मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। गाजियाबाद के वैशाली सेक्टर 4 में चोरों ने मीडिया कर्मियों के घर का ताला तोड़कर लाखों के गहने उड़ा लिए। इसके अलावा चोरों ने उस बिल्डिंग के 2 अन्य फ्लैट का ताला तोड़कर भी चोरी का प्रयास किया है। फिरोजाबाद में बिजली कर्मचारियों के साथ ही मारपीट को लेकर कर्मचारियों ने कामकाज बंद कर दिया। साथ ही प्रदर्शन करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई। कानपुर के थाना सीसा मऊ में दर्ज इनामी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी 4 महीने पहले एक युवक की हत्या कर फरार हो गया था। मथुरा में एक ट्रांसपोर्टर ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली। घटना के बाद ट्रांसपोर्टर का लिखा हुआ सुसाइड नोट भी मिला है, जिसके मुताबिक पैसे के लेन देन की आशंका जाहिर की जा रही है।
पीलीभीत पुलिस ने नोएडा से संचालित गैंग के 3 सदस्यों को पकड़ा है। इनके पास से 300 ग्राम चरस समेत 2 तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं। ये गैंग चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करता था। गैंग के सदस्यों पर नोएडा के सेक्टर 58 में मुकदमे दर्ज है।